बोगी के घर में ये क्या हो रहा है? ये क्या? ये बल्ब कैसे गिर गया? ओह, तो ये बात है, रास्ता साफ है। निकल ले बबलू, बौखला गया रे बाबा। ये तो खाना खजाना है रे, खा ले रे बाबा। बिल्ला नहीं है तब तक दबा के खा ले। अब आएगा मजा, अब बच के कहाँ जाएगा, छोड़ूंगा नहीं। ये क्या, ये तो गया। नहीं ऐसा मत करना, इसकी तो सचमुच सांसें रुक गई है। ए, होश में आ, ए, उठता क्यों नहीं? ए, भीड़ू, अपना बबलू तो गया। बेचारा बहुत अच्छा था, लेकिन ये तो सचमुच। क्या, मैं होश में हूँ बाबा। समझ गया भीड़ू, पुलिस को बुलाता हूँ। ऐसा मत करो बबलू, आ जाओ पुलिस वालों। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ मत बोलना हैंडसम। इसको कड़ी से कड़ी सजा देना मामू। आप मेरी बात सुनिए सर, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मेरी आंखों में सच्चाई देखिए। ये क्या, मुझे अरेस्ट कर लिया। इज रनिंग, हट जाओ आंटी। ये क्या, आंटी का सूटकेस मेरे हाथ में, अब मैं इससे रनिंग करूंगा। लेकिन तुम मुझसे बच के नहीं जा पाए, कानून के हाथ बहुत लंबे हो। लेकिन उससे लंबे डब्लू के पैर है। इसी मॉल में छुप जाता हूँ। भीड़ू, ये बिल्ले को जल्दी से ढूंढ के उसकी बैंड बजाते हैं। मिले तो पहले मुझे बताना। मुझे ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, चुपचाप निकल जाओगी, संभाल के। ये क्या, ये तो मेरा पोस्टर है, भाग जाओगी, पुलिस चारों तरफ तुझे ही ढूंढ रही है। ये तो बड़े काम की चीज है, चुपचाप उठा ले आओगी। कहीं दिखे तो जरूर बताना। मामू कान मत फोड़, बताऊंगा। व्हाट मैन, आजकल पुलिस कहीं भी पहुंच जाता है। हाँ, ये मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये क्या, बिल्ले का खाना, यही है वो। रुक जाओ मिस्टर ऑगी, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। नहीं रुकूंगा, घेर ले। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? भाग ऑगी भाग, मेरा बिल दे दीजिए जल्दी। ए, जरा जल्दी करो ना। आपने उस बिल्ले को कहीं आसपास देखा? अरे मैडम, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? वाह, बिल्ला पुलिस वाले को पुलिस वालों से ही पिटवाएगा। अच्छा, भागोगी भाग। मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई, मैं कमिश्नर हूँ। अब रुको, कहाँ भाग रहे हो? देख लूंगा एक एक को। पहले सामने देख, ये अपुन का आईडिया है, ये रहा प्लान। झपलू ने मशीन बिल्ले के शरीर पर लगा दिया है, अब हमें इस मोबाइल की मदद से पता चल जाएगा कि बिल्ला आखिर है कहाँ। ओए, शांत रहिए भैया, मैं हूँ ऑगी। मैं तो डर ही गया था, अंदर आ जा, जब से अंदर घुस जाओगी। ए, ऐसी पैकिंग करूंगा कि इस मुल्क की क्या, किसी भी मुल्क की पुलिस मुझे पकड़ ना पाए। खिड़कियां भी बंद कर देता हूँ, सारी खिड़कियां, टॉयलेट भी, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके मुंह में कोई है तो नहीं? अब कोई आवाज बाहर नहीं जाएगी। भैया, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। ओ, ये बंद कर, फिक्र मत कर। ये क्या, पुलिस? तू बिल्कुल फिक्र मत करना होगी, इन पुलिस वालों को तो मैं संभालूंगा। पुलिस वालों, मैं आ रहा हूँ, जल्दी आना भैया। ओए पुलिस वालों, ये तो बहुत है, पुलिस अंकल वो मुजरिम मेरे घर में ही छुपा है। वह लगता है अब बिल्ला बच नहीं पाएगा। अच्छा है, हट जाओ, मुझे देखने दो। ये क्या, सिर्फ दाढ़ी मूछ, लगता है भाग गया। भागोगी भाग। अरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कौन आया है? तो यह बात है, बिल्ला मशरूम बन के आया है। आप प्लीज रुकिए, मशरूम प्लेन में अलाउड नहीं है सर। ओके, थैंक यू। अरे सर आप जाइए ना, आप जा सकते हैं। अब ये कौन है? मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन। ए, ये लीजिए मेरा पासपोर्ट। दिस वे प्लीज। अब ये क्या, सारी लोहे की चीजें निकालिए सर। ये लीजिए, ये भी लीजिए, और ये भी लीजिए। अब मैं जाऊं? अब तो मैं भाग जाऊंगा। अब आराम से देश के बाहर चला जाऊं, इसे निकाल देता हूं। वैसे भी अब मुझे कौन पहचानेगा? आखिरकार मिल ही गए। अभी तेरी बैंड बजेगी मामू।
मेरा पेट भर गया बाबा, पूरा खाना साफ कर दिया। और इधर बिल्ली की भी मस्त बैंड बज रही है भीड़ू। ये तो जिंदा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं जा रहा हूँ। चलोगी? हाँ चल। जाएगा कहीं भी जाऊंगा लेकिन तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। बाय एवरीबॉडी। चल भाई जल्दी बाहर आ जा। मैंने कुछ नहीं किया। हे, यही पानी मुझे मेरे घर तक पहुंचाएगा। हे, मेरा ही घर है ना? हाँ, और बाथरूम भी मेरा ही है। चलोगी? अब उस कॉकरोच को ढूंढ। पूरे घर में अकेला रह के खाने का मजा तो एकदम मस्त है बाबा। अब बहुत हो गए तुम्हारे मजे, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये क्या, पुलिस वालों ने बिल्ले का पूरा घर ही उठवा लिया, अब बिल्ले को भी उठवाएंगे। अच्छा है, मैं अटक गया, मुझे बचाओ। चल तेरे को जेल में डालता हूँ, कॉकरोच को मारता है। ए, मुझे जेल मत भेजो, मैंने कुछ नहीं किया। वो कॉकरोच अभी भी जिंदा है। निकल ले मामू, वापस मत आना रे बाबा। तो तुम जिंदा हो? आई एम सॉरी, तुम जाओ। मैंने तो पहले ही कहा था। वहाँ क्या बात है, बिल्ले ने क्या धक्का मारा है? सारी गाड़ियाँ रुक गई और उन्होंने एक दूसरे को धक्का मारा और पुलिस वाला भी गए। अब मुझे कोई क्या अरेस्ट करेगा जब पुलिस वाला खुद ही बेहोश हो गया? यू आर द बेस्ट ऑगी। टीवी के साथ जूस का मजा ही कुछ और है। मन करता है एक और घूंट। हाय मामू। पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया, नहीं छोड़ूंगा। मामू ये डिब्बा तो स्केटिंग बोर्ड से भी फास्ट है। अरे कहाँ गया डिब्बा, तो इधर है। कॉकरोच किलर है। ए, इधर तो बम ही बम है। मेरी तो पूरी बैंड बज गई, मैं तो चूर चूर हो गया। मेरा तो दिल भर आया है इन कॉकरोचों का पीछा करते करते, इनको मारते मारते। आज कुछ और विश करते हैं, पेपर पढ़ते हैं। इसमें भी वही रोज रोज की खबरें। हाँ किताब ठीक रहेगी, फ्लावर पावर यानी फूल की शक्ति। ये कुछ मजेदार है। साधु ने फौजी को फूल दिया, युद्ध टल गया। प्रेमी ने प्रेमिका को दिया तो उसके ताल पे नाचने लगी। बस मन की शांति की जरूरत है। मन की शांति। मामू ये ले, कॉकरोच गैंग की तरफ से एक फूल को फूल। थैंक यू। नहीं छोड़ूंगा। किताब में क्या लिखा है? कुछ भी हो जाए मन की शांति बरकरार रखे। शांति यहाँ मैंने ऐसा नहीं किया। अब जाओ। बिल्ले का क्या हो गया बाबा? शांति, मन की शांति। किताब का धन्यवाद। इसका क्या करने कर बाबा? अपुन के दिमाग की बत्ती जले लिए। बाल का त्याग करो, शांति। फूलों से प्यार करो, एक से हजार करो। तेरे बोलने से पहले हल्ला बोल दिया। नहीं छोड़ूंगा। इसको थोड़ी अशांति दे रहा बाबा। मामू ये ने शांति के तड़कते भड़कते प्रतीक। मन की शांति, शांति। ये तो भूख लगे रे। शांति, मन की शांति, आत्मा की शांति, शांति। नीचे आ मामू, तेरी सब शांति भंग करता हूँ। रुक जा बिल्लू, तेरे को दे दूँ कच्चा पानी। बेटा चप्पलू इसको उठा ले रहा बाबा। आजा मामू, ये भी ले, पूरी बैंड बजा दी। शांति। मेरे को तो इसका केस कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ गया बिल्लू, ये बहुत डेंजर मछली है। ये देख, जो दिया वो साफ कर डालती है कि नहीं, सॉलिड। अभी और देख, ये ले तेरा चारा, पकड़। बिल्ले की बैंड बजेगी। शांति, शांति, शांति।
आत्मा की शांति से उसका वजन हल्का होता है और आप हवा में उड़ सकते हैं। मामू तेरा जादू खत्म, अभी हमारा वाला देख। आजा टपलू। मैं हूँ टपलू जादूगर, जादू ध्यान से देखना नहीं तो मैं टपली मार दूंगा। मामू टीवी गया, मुर्गा आया, वो गया, आग बुझाने वाला मशीन आया, ये ले अब तो भाई। ओए आगे देख मैं आ गया, और ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ओए ये आवाज कैसे अशांति वाला जादू, निकल ले। आगे तूने इन कॉकरोचों को तेरा ये हाल करने कैसे दिया? लेकिन तू फिकर मत कर, मैं इनको तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, तू बस देखता जा। आसपास कोई दिख तो नहीं रहा, आज कोई दिख भी जाए ना तो उसकी खैर नहीं, कहीं आसपास कोई आ तो नहीं गया। लगता है यहाँ का मैदान साफ है। ओए आजा, जल्दी कर। शांति शांति रख, लगता है यही कहीं है। यही है। मुझे यहाँ से बाहर निकाल। शांति शांति, सुबह का कचरा फेंकना भी शांति का प्रतीक है। मुझे कचरा फेंकना है ना, रुक जा मैं देखता हूँ। खाली डिब्बा लगता है, कुछ नहीं है। कचरा मैं फेंकता हूँ। शांति। ओए, और कितनी देर शांति? 2 मिनट। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा की शांति ही मन की शांति है। ओगी तू आगे बढ़ता रहे, मैं देखता हूँ कोई और आया तो नहीं अशांति मचाने। लगता है कोई नहीं है। चलता रहे, अभी तक तो कोई खतरा नहीं है। ओए, ओए, ओए रुक जाओगी। ओए, 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 ओए रुक जा मशीन। इसने तो मुझे पूरा छील दिया। भैया आप इस किताब का इस्तेमाल कीजिए। शांति, आत्मा की शांति रखिए। किताब का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कीजिए। बुक का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कीजिए। मैंने इन तकलीफ देने वाले कॉकरोचों को भगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। वाह भैया क्या बात है, आप भी इस किताब का इस्तेमाल सीख गए। शांति, मैं ये किताब ले जाता हूँ, बहुत ही मजबूत है ये। शांति ओए। भैया ने किताब का ऐसा इस्तेमाल किया, किताब की पूरी शांति भंग कर दी। I love my उड़ना और इनका भागना। अरे ये क्या हो गया, मेरी टोपी। हे, मेरी बारी है, देखो मेरा अचूक निशाना। अचूक निशाना। क्या हो गया भीड़ू, दीवाली में अंधेरा, टोपी उठा ना रहे, इस टोपी का मालिक कौन है रे? टोपी के मालिक, टोपी नहीं मिलेगी भीड़ू। छोड़ मेरा टोपी, छोड़। अब तू नहीं छोड़ेगा भीड़ू? मैं भी नहीं छोड़ूंगा, दांत से तोड़ूंगा। ये टोपी तो 1/3 हो गया बाबा। ये कॉकरोच बिल्कुल पागल है। अपने तो टोपी फाड़ दिया रे, टोपी फेंक दो भाई, अपन को फाड़ डालेगी। मेरी टोपी फाड़ दी? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर मैंने देख लिया। देखूंगी तो मैं तुम तीनों को, मेरी टोपी वापस दो। आप इतने गुस्से में क्यों हो आंटी? Have a chill pill. अरे ये तो जुड़ गई, नहीं फट गई। मैं तुम तीनों को श्राप देती हूँ। आओ,
कुछ नहीं किया। पर मैं करूंगी जादू छड़ी। ये लो, ये टोपी भी रखो और मेरा शराब भी। मामू लोग की बैंड बज गई भीड़ू। मैं छोटा सा नन्ना सा बच्चा हूँ। फुटबॉल कौन खेलेगा? मुझे खेलना है। मुझे भी। मैं भी खेलूंगा। थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, और ये फुटबॉल गया बाहर। क्या करूं मैं इन तीनों का? फिर से पिंक गोली। हाँ, मुझे इन्हें मारने का मन कर रहा है। ये चिकन खा के मस्त पेट भर गया रे। मेरा नहीं भरा। मिठाई चोर, चलो मेरे साथ। हमको काय को बांध रहे? ये टोपी किसने पाड़ी, बोलो। अपन को नहीं मालूम। बिल्कुल नहीं मालूम। तुम्हें ही मालूम है। और सुनो मेरी बात, तुम चलोगे मेरे साथ प्लेन से उड़कर उस जादूगरनी के घर तक, समझे? और तुम दोनों उन तीनों बच्चों का ख्याल रखोगे, समझे? बिल्कुल नहीं समझा रहे। अच्छा, तो अब समझ जाओगे। एकदम समझ गया, समझ गया अपुन। हाँ। अब क्या कर दिया इन्होंने? रुक जाओ। चलो अब तीनों के तीनों सो जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार दिवाली के दिनों एक बच्चा पटाखे फोड़ने मिठाइयाँ खा के घर से बाहर निकला था और उसने देखा कि बहुत सारे पटाखे हैं, पर चलो सो गए, शांति मिली मुझे। अरे क्या हुआ? मुझे गुड नाइट पप्पी चाहिए। ओके, थैंक यू। आओ, मुझे भी, जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है, गुड नाइट बॉब। अब क्या है? और मुझे भी तो चाहिए। मुझे बचाओ, ये लो। जो है सो जाओ वरना ठक टिके हो जाएगा। थक गई हूँ, कोई बात नहीं, गुड नाइट। सुबह हो गई और मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। सुबह इतनी शांत, लगता है ये लोग अब तक सोए हैं। आ गए शैतान। चलो देखते हैं। मुझे बड़ी भूख लगी है। हो गया। तुम कॉकरोच चलो मेरे साथ, बस अब जल्द से जल्द पहुंचना है। अरे रुको, उठाने दो, रुक जाओ। ये पिकनिक नहीं, स्कूल है। मुझे नहीं जाना। मुझे भी नहीं जाना है, और यही जाना है।
चलो गुड बाय बच्चो, और ये लो तुम्हारी गुड बाय झप्पी। बाय, मेरे आने तक जाना नहीं। ए, हमें छोड़ कर मत जाना प्लीज। मुझे जाना होगा। तुझसे ना जाओ प्लीज, जाना नहीं। बच्चा, मेरा दिल कह रहा है कि इन्हें यही छोड़ दूँ। चलो ओली, अब काम पे चलो। टैक्सी टैक्सी, एयरपोर्ट चलो। अब हमारा क्या होगा? संतरा खाएगा? हाँ, ये ले। ये रसना तेल क्यों लगा रही हो? बचा। उनके ऑक्सीजन की बैंड बज रही है, क्या करूं? ये ऑक्सीजन मास्क पहन लो, सिंपल। अभी एकदम ऑसम लग रहे हैं। चलो बताओ 5+5 कितना हुआ? ओ? बताओ तुम? आपने मुझसे जवाब मांगा मैडम जी, और ये तो बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। कहाँ से लाऊं इसका जवाब? बड़ा ही डिफिकल्ट है। नो यार, देखो भैया, थैंक यू मेरे भाई, 8 होते हैं मैडम जी। कैसा लगा जवाब? बिल्कुल गलत। मैं तो 10 कहना चाहता था, मैं तो अनपढ़ हूँ। भीड़ू, ये गाय मेरे दिमाग की बैंड बजा रही है। आपको खाना है? नो थैंक्स, मुझे भूख नहीं है। लो, आ लो। मुझे चटनी चाहिए। ये क्या है? इस खाना के टकटक टकटक टकटक। अभी किधर जाने गए? वहाँ उस पहाड़ पे रहती है वो। चलो जल्दी। क्यों जनाब, न्यू एडमिशन? हाँ, हमारे तीनों बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। मैं तो बौखला गया रहा। घर चलो कॉकरोच अंकल। ओए, मेरी नाक बड़ी है, मेरी आंखें बड़ी है, मैं तो पूरा का पूरा चलो बच्चों, सोने से पहले ब्रश करो। ओके कॉकरोच अंकल, लेकिन हमसे पहले आप ब्रश कीजिए। मुझे एंग्री मत करो, दांत घिसो। जल्दी जल्दी दांत घिसो। सॉरी मस्ती बंद करो। इन बंदरों को नहीं छोड़ूंगा। तू बौखलाना नहीं, शांत रहना रे। चलो अब चुपचाप सो जाओ, जान छुट गई रे। अब क्या हो गया? गुड़िया चाहिए, गुड़िया। गुड़िया कहाँ से लाए? मुझे पता है रे, पता नहीं ये जपलू कब आएगा और हमें इनसे छुड़ाएगा। पता नहीं और कितना दूर है उसका घर। हे, वो रहा। किधर? नहीं यार, अबू नहीं जाएगा। अबू को डर लग रहा है। तुम्हें चलना होगा। डरना मत, हम बस पहुंच ही जाएंगे। लो, पहुंच गए हम। कौन है जो मुझे रात को डिस्टर्ब कर रहा है? शांति। आपकी टोपी लौटाने आए हैं। मेरी टोपी? आओ आओ, अंदर आओ, अंदर। ना डराओ ना है। ये भूतिया जूस पियो। अब सब सच बताओ। वो अकुल की गैंग ने तेरा टोपी फाड़ा था। लो, आप प्लीज उन तीनों का शराब वापस ले लो। ठीक है। Ready, steady, go. Hey, buddy.
ट्रिपल सीट विदाउट हेलमेट नॉट अलाउड। लेकिन अच्छा है। यही एड्रेस कहाँ था ना लड़की? प्लीज इन दिनों को बड़ा कर दीजिए प्लीज। हे, ये क्या कर रहे थे हम? I don't know. इन्हें भी सजा दीजिए ना। ठीक है, ये अब उन तो बच्चे बन गए बीड़ू। तुम तीनों इन बच्चों को संभालो। अब हम इनका क्या करें? इन्हें कैसे संभालें? प्लीज हेल्प अस। चलो चलो बैक टू स्कूल। मैडम जी हम आ गए हैं और न्यू एडमिशन भी लाए हैं। ये लीजिए टपलू पपलू झपलू। ये कौन सी जगह है? बाहर आके देख। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह पौधों को पानी देना। मामू अपुन को भी बहुत अच्छा लगता है तेरे ही घर से तेरा सामान उठाना। अरे ये तो गेंडे से भी भारी है। मालूम है रहा, लेकिन फिर भी उठा लेना बाबा। एक मिनट, ये कैसी हलचल थी? पीड़ू जल्दी चल, नहीं तो बिल्ला देख लेगा। लेकिन बाबा ये अड्डा सेफ तो है ना बाबा? एकदम फिट है बॉस। ब्रेक लगा लो सब लोग। दरवाजा खोल मामू। आओ, कौन आया? कहीं राजा बाबू तो नहीं है? बोलो कॉकरोच बाबू। बोलना छोड़, ये पैसे ले। आहो वो इधर लाओ। लेकिन इसमें कितना पैसा वो तो बताओ। आहो 5 रुपया 12 आना। एक मिनट इधर ही रुकना, अभी घर के अंदर आना। अल्लाह बोल दे भीड़ू। कुछ मत बोलो, चुपचाप अंदर आ जाओ, किसी के देखने से पहले घुस जाओ। बाब ये तो गलत है, अब नहीं छोड़ूंगा, सामान वापस ला कर ही रहूंगा। दरवाजा खोलो बाब। बोलो आगे। आपके घर में जो टीवी आया है वो मेरा है, आपके घर में जो फ्रिज आया है वो भी मेरा है, और वो पिगी बैंक उसमें पैसे भी मेरे हैं। ओके बाय। बाब मेरे सामने आओ। वो फिर आया, चला जा। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। दरवाजा बंद हुआ तो क्या हुआ? खिड़की जिंदाबाद, खिड़की से घुसूंगा। मेरे घर में चोरी। चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपकी खिड़की धो रहा हूँ। अभी मैं तुझे धोऊंगा। धोऊं क्या, किसको धोएगा? कुछ नहीं, घर जाकर कपड़े धोऊंगा। चलो देखते हैं चोर के घर में क्या चल रहा है। चोरों के घर में भी आते हैं चोर। कॉकरोचों की मौत चल रही है, लेकिन बहुत जल्द इनकी खुशी को मेरी नजर लगने वाली है। चलोगी हमले के लिए तैयार हो जा। आज तुझे अपना सामान चोरों के घर से वापस लाना ही है। अब मेरा सामान सिर्फ मेरा है। इस तेज धूप से मैं तो बौखला गया बाबा। अब हो जाएगा इस खिड़की का शटर डाउन। इस खिड़की का शटर डाउन तो हो गया, लेकिन मेरा तो शटर कॉक होके विकेट डाउन हो गया। आओ अब कौन आया? कोई और नहीं जनाब, आया है आपके घर एक जोकर। पहले हंसी का नकाब आया है, बजाएगा बाजा, फैलाएगा खुशी खुशी खुशी। चलो घर के अंदर तो घुस गया। पहले इधर आओ, मुझे अपना गेम दिखाओ। गेम क्या दिखाओ, दुनिया खुद एक बड़ा गेम है। गेम तो मैंने इस बॉक्स के साथ खेला। सारे ढल गया, दिन हो गए शाम, पता नहीं बिल्ला क्या कर रहा है। का मेरे घर से सामान चुराने वाले के घर में मैं दूसरे ग्रह से घुसूंगा। यान तो आ गया होगी, अब तू भी आ जा दूसरे ग्रह से। क्या बात है, दूसरे ग्रह का मुर्गा तो इस ग्रह के बिल्ले जैसा है, एकदम सेम टू सेम। अब आएगा मजा। आओ चलोगी, अब बॉब बाहर आएगा, तू अंदर चला जा। इतने रात गए कौन आया है? आओ एलियन।
सॉसर में चाय पीते हैं। आओ एलियन बाहर आओ। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया हूं मैं? मैं हूं फिशलो डॉन। एलियन डॉगी मुझे भूख लगी है, खाना दे। इस वक्त हमारे यहाँ खाना नहीं सोना होता है, तू भी जाकर सो जा। हेलो बॉय, ये एलियन को बम लगा के उठा ले बाबा। बाय बाय एलियन मामू। क्या बात है, लगता है आज बिल्ले की बैंड बजेगी। बस ये देखो एलियन पर एलियन का हमला। अच्छा है मैं तो गया। मैं तो चोरों के घर में आ गया। मैं तो फिर से मेरे घर में आ गया। अब इस कचरे के डिब्बे में घुस के चोरों के घर में चोरी से घुसूंगा। मुझे मत ले जाओ, मैं कचरा नहीं हूँ। अब यही है चोरों के घर में चोरी से घुसने का सबसे आखिरी रास्ता। रस्सी आगे चली गई पर मैं पीछे चला गया। कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। रस्सी तो काफी मजबूत लग रही है, हिलती है पर टूटी नहीं। मेरी रस्सी जिंदाबाद। अब यही रस्सी मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी। थोड़ा नीचे झुकना पड़ेगा ताकि कोई देख ना ले। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे उड़ना है। अब ठीक है। आओ चलो, सुबह हो गए, चलकर चाय की चुस्की लेते हैं। आओ, लेकिन इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। इसमें भी नहीं है, चलो देखते हैं फ्रिज में क्या है। आओ बिल्ले के फ्रिज में तो कुछ भी नहीं है, पूरा खाना खाया हुआ है। चलो मेरा फ्रिज में देखता हूँ। आओ इसमें तो खाना खाए हुए कॉकरोच बाबू है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ए ये क्या, मेरा सामान उड़ा जा रहा है। इसमें तो कॉकरोच भी है। उनकी तो बैंड बज गई। सामान अगर वापस चला गया मैं भी वापस जाता हूँ। वापस जाओ लकर, अब तू अपने घर जा, मैं चाय पीता हूँ, लेकिन तू नाश्ता जरूर भेजना। मेरी तो हालत खराब कर दी। अपुन की भी भीड़ू। ये क्या, मेरे साथ मेरे सामान की भी हालत खराब हो गई, सिर्फ तुम चोरों की वजह से। हम ये चोरी का बम है, इसे हटाओ मेरे मुंह से, हटाओ प्लीज। क्योंकि अब मैं हंसूंगा। ये क्या कर रहा है मामू? कोई भी खिड़की खुली नहीं रहनी चाहिए। हो गया, ये भी हो गया। क्या खिचड़ी पका रहा है मामू? चलो बहुत काम बाकी है। पर कर क्या रहा है ये? छोड़ भी मैच देख। लाइट बंद करना बहुत जरूरी है। मामू ये टीवी कैसे बंद हो गया? घर को ताला लगा दूं? एक दो तीन चार पांच छह, गुड बाय घर। मामू ये किधर तो भी जा रहे है। सारा सामान इस वैन में रख दूं? पेड़ू मेरे को लगता है ये पिकनिक को जा रहे है। चल पिकनिक की बैंड बजाते हैं। हल्ला बोल बिल्ले मामू का, बजा दे ढोल। पिकनिक जाने की सारी तैयारी हो गई, अब सिर्फ चश्मा पहनना है और गड्डी स्टार्ट करके निकलना है। चल मेरी गड्डी, टिक 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 टिक। तू जाएगा मामू लेकिन वैन के बिना। ओके बाय बाय मामू। चली आओगी की पिकनिक सवारी, कभी अगाड़ी कभी पिछाड़ी। मेरी वैन कहाँ रह गई, दिखाई नहीं दे रही, यही कहीं छूट गई होगी, लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो गई कहाँ होगी? हाँ बॉब से ही पूछता हूँ। मेरे पास पानी है, वो पानी मैं इन पेड़ों को दूंगा, उससे इस पेड़ में फल आएंगे, उन फलों को खा जाऊंगा। आओ ए बॉब, आओ।
तुमने मेरी पिकनिक वैन कहीं देखी है? हाँ? क्या? जाने दो। ए मेरी वैन, कहाँ है तू? बाहर आ जा। पता नहीं कहाँ गई। ए, ये क्या? ये तो मेरी बैग है। ये क्या? मेरी चड्डी, मतलब वैन भी यही कहीं होगी। मामू, वैन इधर ही है और कपड़ा भी। बस बहुत हो गया, कुछ करना पड़ेगा और कुछ करने के लिए पहले कॉकरोचों तक पहुंचना पड़ेगा। चलोगी? लगा दे सीढ़ी और चढ़ जाओ ऊपर। कॉकरोचो, मैं आ रहा हूँ। तो ये ले मामू, तेरी वैन भी आ रही है। बाय बाय। भाग भागोगी? रुक जा, छोड़ दे मुझे, घर में घुस जाता हूँ। इसमें तो लॉक लगा है, खोलना पड़ेगा। चाबी कहाँ है? कहाँ गई चाबी? हाँ मिल गई। एक दो तीन चार पाँच और छः, खुल गया दरवाजा, दरवाजा खुल गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं। वैन की मरम्मत हो चुकी है, अब इसे मैं वापस पिकनिक पर ले जा सकता हूँ। चल जल्दी चल, हमें पिकनिक पर जाना है, जल्दी चल। रुक जा यहीं पर, तुझे गड्डी से जोड़ता हूँ। ए ए गड्डी, ये गड्डी आगे कैसे चली गई? कॉकरोच गैंग ने चलाई मामू। ए तो जाओ लेकर जाओ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी वैन मेरे पास है, मेरी गड्डी मुझे वापस दे दो। स्टार्ट कर मामू। कर दिया, कॉकरोच गैंग निकल पड़ी। मैं भी आ रहा हूँ। मजा आ रहा है मामू। ए रुक जाओ, रोक दिया ना बाबा। ए ये क्या, रुक गई गड्डी? अब ये गड्डी वैन से जोड़ूंगा। ये क्या, मेरी वैन पीछे क्यों जा रही है? वाह क्या बात है बिल्ला, और भाग कॉकरोचों के पीछे, यही सजा मिलेगी। अच्छा है। मेरे तो मोजे फट गए, मेरा मुंह भी फट रहा है। कहाँ जा रहा हूँ? मुझे बचाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी वैन ऑगी आ रहा है। ये क्या, यहाँ पर लटकता हूँ। लटक गया, अब इसको चलाएगा कौन? अरे इसको चलाने वाला टॉयलेट में बिजी है, देख ले छोड़ दिया। ये क्या, मेरी वैन को छोड़ दो, मत कुछ लो मेरी वैन को। चलो किसी तरह वैन को तो बचा लिया, लेकिन मेरी और वैन की हालत पतली हो गई है। ए, ये कॉकरोच गैंग बहुत बिजी है, लगता है इनका ध्यान नहीं है। मौका अच्छा है, होगी चल निकल, निकल होगी। वंस अगेन, बाय बाय घर। अरे ये क्या, ये तो नकली कॉकरोच है, बिल्ला फिर से फंस गया। अच्छा है, हैप्पी पिकनिक होगी। कॉकरोच गैंग के रहते तेरा पिकनिक हैप्पी कैसे होएगा मामू? उफ, अब ये सिग्नल कब खुलेगा? हो गई बिल्ले की हैप्पी पिकनिक, निकल ले मामू। चलोगी? पिकनिक के मजे अब ज्यादा दूर नहीं। मामू अभी देख कमाल, हल्ला बोल। ये क्या, अचानक मेरी स्पीड इतनी कैसे बढ़ गई? लेकिन अच्छा लग रहा है, सारी गड्डियां मुझसे पीछे हैं। बिल्ले की तो बैंड बज गई। ज्यादा खुश होने पर यही हाल होता है। ये मैं कहां फंस गया? अब गड्डी वैन से नहीं, प्लेन से चिपकी है। पुलिस वाले इस बात की जांच कर रहे हैं कि बिल्ले की गड्डी इस प्लेन से चिपकी कैसे, लेकिन बिल्ले को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वाह क्या खूबसूरत समंदर है, जी करता है डुबकी लगा लूं। हैप्पी पिकनिक होगी। यहाँ तो शार्क है।